Please subscribe to our channel and for latest updates, don't forget to press the bell button. देखें तो नरगिस जी ने वहीदा जी ने दोनों ने अपने बहुत जंगल डेज में बड़े लोगों की भूमिका निभाई जी मदर इंडिया में बिल्कुल ट्रिब्यूट भी दे दिया था जी और हमारी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है वो इस फिल्म में आप लोग अभी जब प्रोस्थेटिक मेकअप का जमाना है तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था उस एज को जी पाना क्योंकि जो जी लोगों ने तो सिर्फ आपने ऐसे टची टची दुखती रहते हैं हमारी नजर मैडम आप जानती नहीं आपने क्या दरवाजा खोल दिया आप जानती नहीं बेचारी भूमि आई मीन फॉर मी पता नहीं क्या मैंने क्या खाया है लाइफ में ऐसा कि थैंकफुली मेरे मुंह पे कुछ ऐसा हुआ नहीं बट भूमि हैड वेरी सिवियर रिएक्शन रैश हाफ ऑफ हर फेस बिकेम ब्लैक मुझे लिटरली सुपरफिशियल बर्न्स हो गए थे बट आई टेल यू व्हाट जब हम मेकअप कराते थे तब बहुत लगता था कि क्या है आई विश कुछ और तरीका होता ये वो पर जैसे आप सेट पे पहुँचते हो ना ऐसे सारे दुख दर्द डिस्कम्फर्ट हर चीज़ चली जाती थी क्योंकि हमने इतने मज़े किए मतलब लिटरली फ्रॉम द एडीज टू द स्पॉट टीम टू द प्रोडक्शन टीम कॉस्ट्यूम दे वर रियली हेल्पफुल यार दे वर वेरी कोऑपरेटिव विद अस क्योंकि उनको पता था कि द थिंग्स दैट वी गो थ्रू रोज सुबह 2.5-3 घंटे बैठ के ये मेकअप करवाना और उसके बाद 12 घंटे की शिफ्ट करना उतारने में 1 घंटा लगता था और बीच में अगर पसीने का एक बूंद भी आ जाता था अगर स्किन के ऊपर तो वो ऐसा नहीं है कि उसको हटा के दोबारा कर सकते हो यू हैव टू रिमूव द एंटायर थिंग एंड डू इट अगेन एंड वन ऑफ द डेज वी एंडेड अप डूइंग द मेकअप थ्राइस इन अ डे बिकॉज इट वाज रियली हॉट एंड वी हैड टू रीकीप रीडूइंग इट सो भाई मेहनत तो गई बहुत है मतलब ऑन एन एवरेज आई थिंक वी वर क्लॉकिंग 20 आवर्स Yeah, it was very difficult. It was very difficult. लेकिन आपको फिल्म में हमारी वो तकलीफें नहीं दिखेगी हमने फिल्म में इतने मजे किए अरे यार दादी keeps feeling bad about the fact that she's made us old at this age because it's because of मैंने तो देखो हमने ये लड़की जवान थी हमने ये 60 साल की 65 साल की बना दी थी बेचारी है मैं अभी भी जवान कोई बात नहीं वो बहाल होके फिर जवान होगी तापसी भूमि हियर हां जी ऑन द राइट सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम फॉर द किक एस ट्रेलर थैंक यू यस तो मेरा आपसे सवाल है तापसी आपने जस्ट अभी आपने हाल ही में कहा था कि यू नो मैं फिल्म करना चाहती हूँ जहाँ पे 2 हीरोइंस हो विच इज सच अ रेयर थिंग टुडे मतलब आज होता है कि हम ओ लाइट चली गई ऐसे क्वेश्चन पे लाइट दिख रहा है ना सबको नहीं मैडम नहीं अच्छा लाइट क्यों बंद कर दी आइनॉक्स क्या हो गया सॉरी कुछ गलत बोला गया हमने सो कंटिन्यू करो क्वेश्चन मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम में इट्स सच अ रेयर साइट वेयर अरे आंसर उसको क्वेश्चन तो पूछ दो बेचारे को यार हां सो इट इज सच अ रेयर साइट जहां पे यू नो 2 हीरोइंस हो जहां पे आज के टाइम में वी हैव टू गेट दैट सेंटर स्टेज और मैं ही फिल्म लेके दौड़ू सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट व्हाई इज दिस ट्रेंड इज नॉट एनीवेयर टुडे व्हाट डू यू वांट मन कर रहा है एक शेर बोलने का जो मैंने बॉर्डर में सुना था हम ही हम है तो क्या हम है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो क्या बात आई डोंट थिंक किसी एक इंसान से पिक्चर बनती है ड्यू नहीं मिलता काफ़ी लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवीज़ के लिए इवन इफ इट्स अ सिंगल हीरो और अ सिंगल हीरोइन ड्रिवन फिल्म बहुत सारे और लोग होते हैं पिक्चर के ना जिसकी वजह से पिक्चर अच्छी या बुरी होती है सो आई थिंक इट्स अनफेयर टू टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम देम दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज येस यू आर राइट दिस विजुअल इज नॉट वेरी नॉट समथिंग दैट वी सी वेरी ऑफन ऑन स्क्रीन इज वाई मेरे को ना हर चीज़ थोड़ी सी पुठी जिसको कहते हैं ना उल्टी करने का आदत है कि जो चीज़ नहीं हुई है करके देखते हैं कैसे होती है तो उसी एक्साइटमेंट में कर लिया हमने एंड आई थिंक भूमि एंड आई बोथ बिलीव्ड इन द फिल्म एंड द स्क्रिप्ट एंड आर रोल्स इंडिविजुअली सो मच कभी एक सेकंड के लिए आप मतलब हम लोग तो चलो अभी स्टेज पे हैं तो अच्छा ही बोलेंगे दूसरे के बारे में बट इन एनी केस इफ देयर इज एनीवन ऑन द सेट यू एवर नो आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली check with them in fact logon pe to sharte lag rahi thi ki dekhte hain ki ladai inki ladai kab hogi inki ladai kab hogi aur matlab aisa ek din tha jab humne kuch kuch kiya tha hamare director sahab ke sath wo bhi aapko pata chalega wo aapko pata chalega but you know people were actually betting ki yaar 2 heroine film they were like a first day pe ho jayegi second day pe but like you know till date we've never had a disagreement I think we've been very clear that we are one unit on this film and you know rightly so a lot of credit also goes to the writing because we both are
so secure in our roles, you know, where the film is concerned. And we realized that this film is being made for a bigger reason, yeah. You know, you can't have any petty ideology connected in this film. You know, we all have really given our best, and I feel Tapsee and I are very secure as actors. You know, so I'm glad that we could do this together, and we had such a great time. Bhumi, मेरा आपसे एक और सवाल है भूमि. आप फिल्मों में तो अच्छा काम करती हैं, लेकिन आपने अभी recently आपने एक और initiative उठाया, which is a climate warrior. तो अब उसके बारे में आप थोड़ा बिकॉज हमने टीजर देखा है ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ यू आर लाइक यू आर टेकन अप एन इनिशिएटिव विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट एनीथिंग सो यू आर डूइंग इट पर्सनली आप खुद जा रहे हैं आप जहाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप जा रहे थे वहाँ पे भी आपने कुछ वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड कुछ किया सो प्लीज थोड़ा आप उसके बारे में बताइए व्हाट इज दैट योर विजन जी द विजन इज टू मेक अ डिफरेंस द विजन इज टू एजुकेट पीपल आई रियली फील दैट वी एज अ सोसाइटी हैव बिकम वेरी केयरलेस टूवर्ड्स आवर होम हमारा घर वो चार दीवारी नहीं है जिसमें हम रहते हैं हमारा घर हमारा प्लैनेट है और उसी को जो भी बचा सकते उसको बचाने की एक that's what I'm trying to do and I really hope ki aiste aiste bahut hazaron ki tagat mein log mere sath they join in and yeah please look out for that space thank you hi Bhumi all our mics okay here hi Tapsee and Bhumi chal raha ma'am sunai de raha chal raha ma'am sunai de raha congratulations ये ट्रेलर देख के फिल्म देखने के एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई है थैंक यू आई गॉट माय मदर विद मी टुडे दैट्स अ गुड प्ले टू बिगिन तो उनको भी ये बहुत अच्छा लगा वो बार बार मेरा हाथ थामने की कोशिश कर रही है दिखाने के लिए कि उनको बहुत पसंद आया थैंक यू सो मच मैम तो इसी मौके पे आप दोनों को पूछना चाहूंगी तापसी यू एंड भूमि आप दोनों के लिए इस फिल्म में सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है क्योंकि यंग एज में इतना आसान भी नहीं है बालों को ग्रे करना बालों को ग्रे करना बहुत आसान है एक्चुअली वो सबसे आसान पार्ट है मुश्किल था वो बॉडी लैंग्वेज लाना वो बोली लाना वो स्टाइल जो इनका ना इनहेरेंट स्वैग है वो हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर दिस एज और दे लिव इन अ विलेज उनका अपना ही स्वैग है एक वो लाना अपनी बॉडी में वो बहुत बड़ा चैलेंज था वो सबसे ज़्यादा वही है मेरे को तभी वेट कर रही हूँ मैं लोग रिएक्शन देंगे कि डू वी लाइक रियली ब्रिंग दैट स्वैग ऑन स्क्रीन बिकॉज दे आर ट्रूली बोथ ऑफ देम हैव अ स्वैग लाइक यू शुड सी देम द वे दे टॉक द वे दे वॉक द वे दे हैंडल द गन आई मीन दे विल पुट अ लॉट ऑफ अस टू शेम सो या सो दैट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज और एक जो और दोनों दादियों में एक बात है यू नो जो मैंने पहले भी कही मेरे लिए मुझे ये प्रेशर था कि यार उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी जी है यू नो जहाँ पे उन्होंने इतनी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के साथ बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ लिया क्या हम वो ममता वो वॉर्म्थ वो पॉजिटिविटी हमारे परफॉर्मेंस में ला पाएंगे क्योंकि इनके पास इतने सालों का लाइफ एक्सपीरियंस है और मतलब हमने हार्डली कुछ किया है लाइफ में कंपेयर टू व्हाट दे हैव डन यू नो तो मेरे मतलब फॉर अस वी वर जस्ट लाइक हम वो अपने आप में इनकलकेट कर पाएंगे या नहीं इट वॉज रियली रियली अ वेरी चैलेंजिंग बट अ वेरी वेरी सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस तापसी एंड भूमि योर सेंटर राहुल यर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और बुढ़ापे में भी आप लोग बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हैं मैं ऑनेस्ट स्किन की बात कर रहा हूं मेरी हीरोइन सुंदर लगनी चाहिए चाहे जो भी है जो इस फिल्म के जरिए आप लोगों ने एक चीज तो अच्छा मैसेज दिया कि अगर जीने की वजह हो तो बुढ़ापे भी जवानी से कम नहीं होती पर जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज बहुत सारी ऐसी अभिनेता और बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जो स्टार्डम के पीछे भागते हैं उनको सोलो रोल चाहिए अच्छे एंट्री चाहिए बट आप लोग सबसे अलग हो आप दोनों इसमें आप अलग कर भी रहे हैं और लोगों के दिल में जगह भी बना रहे हैं तो आप स्टार्डम और एक्टिंग के बीच दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं सर मतलब मुझे तो लगता है स्टार्डम में भी एक्टिंग है मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है कि अगर आप एक स्टार है तो आप एक्टर नहीं है बहुत ही पुराने मुझे लगता है बहुत ही पासे कॉन्सेप्ट है मतलब आप पिछले 2 साल की फिल्में देखिए सारी हटके फिल्म है और उन फिल्मों के वजह से बहुत सारे नए नए स्टार भी उभर के आए हैं तो मुझे लगता है वो जमाना चला गया आज सबसे बड़ा स्टार है एक पिक्चर का राइटर और एक पिक्चर का डायरेक्टर आर यू लिसनिंग तापसी आप दोनों दैट मींस साइन अस फॉर द नेक्स्ट फिल्म इमीडिएटली तापसी और भूमि इस फिल्म के बाद जैसा आप लोग
अब खुद सोचिए, आपके मन में भी बदलाव आया होगा, आपके दिल में बहुत सारी सोच मेरे मन में बदलाव मार्च से चल रहा है बहुत सारे बदलाव आए होंगे, आपको भी मैसेज मिले होंगे, तो आपने जितने सोच में आपकी सोच में बदलाव आया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को इस फिल्म के जरिए, पर्सनल लेवल पे? आप फिल्म से तो मिलेगा, पर्सनल लेवल पे तो यार आई एज आई सेड बिकॉज आई रियली वांट एवरीवन टू टेक लाइक हाउ दिस लेडी हैज गॉटन हर मदर, आई रियली वांट कि सब अपने पेरेंट्स को लेके जाएं, क्योंकि आप एक बार ही देखोगे ना आपको रियलाइज होगा कि शायद हाँ दिस इज द स्टोरी ऑफ माई मदर माई ग्रैंड मदर, तो दिस इज समथिंग आई वॉन्ट द एंटायर फैमिली टू गो एंड वॉच टुगेदर टू से कि कोई उम्र अब जीने के लिए कोई उम्र ज़्यादा नहीं होती है, आप 50 हो 60 हो 70 हो उस समय भी लाइफ शुरू हो सकती है, डोंट गिव अप ऑन लाइफ, लाइफ एंड्स व्हेन यू डिसाइड इट्स एंडिंग, अदरवाइज इट्स इट गोज ऑन, इट्स एनी डे इज अ गुड डे टू बिगिन, तो मैं चाहती हूँ कि सबको हर उम्र वाले इंसान को देख के इंस्पिरेशन मिले कि देर इज़ नो एज टू स्टार्ट लिविंग. तुषार जी आपके लेफ्ट में, तुषार जी आपके लेफ्ट में, यहाँ यू नो अप अप लेफ्ट में एंड अप लेफ्ट यार उधर उधर बोरे 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 यू नो तुषार जी आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म का नाम है सांड की आंख, ऐसे कुछ दादी माँ की कहानी भी ऐसे कुछ रख सकते थे लेकिन आपने रखा है कहानी, आपने रखा है तुम पिक्चर बनाना एक फिर उसका दादी माँ की कहानी नाम रखेंगे, ठीक है? मैं डायरेक्टर नहीं हूँ. ये क्या तो फिर तो डायरेक्टर को क्यों बोल रहे हो फिर? सो कोई खास वजह सांड की आंख रखा है आपने, कोई खास वजह? अरे आपने ट्रेलर देखा है, टीजर देखा है? अरे अब हम टीजर देखा था आपने, टीजर में आप में से कोई बता दो इनको आंसर. थैंक यू. निशाना लगाना आप लोगों ने सीख गए हैं, तो अगर आप हमें बताना चाहें कि आप वो तो डेमो करूंगी मैं तेरे नहीं मेरे साथ नहीं यू नो इंडस्ट्री स्टार्टिंग टाइम में जब आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब ऊपर ऐसे निशाना लगाना चाहेंगे जिन्होंने जो आपको बोला कि आपका चेहरा नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? उनको जिंदा रखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट देम टू स्टे अलाइव फॉर really long time and watch my films. Sir, mera hi mera chehra dekhoge ab tum. Abhi to I don't want to kill anyone. Bhumi ji. Bhumi ji. मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल ये हरियाणा की स्टोरी नहीं है, ये जौहरी विलेज की कहानी है जो कि वेस्ट यूपी में है, यूपी में है जो मेरठ है, एक तो ये फर्स्ट लेट्स करेक्ट दैट. और मैं जब जा रहा था ये पिक्चर शूट करने, सब जैसा आपका फियर आप लोग जो बोलते हैं, मुझे बताया गया था कि मेरठ में आप शूटिंग कर रहे हो बहुत टफ होगा, मेरठ में बहुत टफ होगा वो डेंजरस है, पर वहाँ के लोग इतने अच्छे थे. एंड मैं सच्ची मैंने कुछ नहीं देखा ऐसा हुआ, द वेमेन आर ट्रीटेड सो वेल. They are respected today because of these changes these women are getting over there, and that's what is happening. I hope this change happens in the entire country. And I'll also tell you that there was everyone, like I said, there was scaring. हमको डरा रहे थे, but ये जो दादियों की family है, Mr. Sumit जो इनके ये इधर बैठे हैं, सीमा जी, शेफाली, इन family ने हमको इतना help किया shoot के लिए कि हमको कुछ तकलीफ नहीं आया ना, हमने ऐसा कुछ देखा. दादी जी एक बड़ा do feel. अरे नहीं उससे पहले ही मिल गई थी. हाँ ये जो आप अनाउंस का क्या फर्क पड़ता है उससे पहले, ये तो जब हम फिल्म कर रहे थे तभी दीज क्वेश्चंस. या मतलब She was doing Manmarziya, I ended up doing it. I was doing Pati Patimar, she ended up doing it. Yeah. So equal ho gaya phir. Yeah. And I was doing Sankhya, I'm doing it. दादी जी यू नो दादी जी आपके सामने यू नो मन बूढ़ा नहीं होता, हम सभी जानते हैं. ऐसी कोई बात जो अभी भी आपको तापसी एंड भूमि जी की एज की ऐसी कोई बात जो आपको अभी भी करने की इच्छा होती है? नहीं देखो बेटे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उम्र कोई नहीं होती, जिस भी उम्र में करना चाहो ये आदमी कर सकता है, तन बुढ़ा हो जाए मन बुढ़ा नहीं होता. दादी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमें इतना सारा खाना खिलाया, हाँ मतलब पूरे शूट में हम रोज दादी के घर जाते थे और हमें ऐसी ऐसी साफ
फ्रेश खाना मिलता था. मतलब यू गाइस जस्ट हैव टू गो देयर टू एक्सपीरियंस जितना प्यार दोनों दादियों के दिल में है सबके लिए. मतलब लिटरली उनका घर खुला होता था, कोई भी आते थे, उनको खाना मिलता था, प्यार मिलता था. कैसे कर लेते हो यार इतने, मतलब अपने तो मतलब इतने अनेकों, आप इतना कैसे? बेटे अभी कह रहे जाओगे तुम चले गए थे, थाली लिया तो खुले दरबार थे, जैसा चाहो थी ऐसा खाना बनाने वाली बहू थी. तो हमें क्या टेंशन थी, तो थारी लिया खाना ना बनता और किसके लिए बनता जो तुम इतनी मेहनत कर रही थी. हमारा इतने अच्छे रोल करे, इतनी अच्छी पिक्चर बनाई, तो खाने की कमी रहती फिर हमारा क्या फायदा था. तुषार शिवाशीष एक सवाल पीछे से लेते हैं. शिवाशीष सामने आप टीजर, व्हेन द टीजर ऑफ सांड की आंख यहां पे लेफ्ट में आपके ऊपर यहां पे. When the teaser of the film had come out, you know, there was like many people questioned that, you know, why are young actors playing old characters? So I just want to know your views, and Tapsee and Bhumi, you can also weigh in your views. How would you justify? 5,000 times we have presented my views. Ask Tushar. Yeah, how would you justify? Did you see that promo now? Yes. You have any doubt now? No, but I just want to know your views. Like people said, someone like Neena Gupta also could have played, you know. See, I always wanted them to play this role, and I'm so happy because actors usually play college students. You all are okay with that when they are 60 years old and they are playing college students. You should thank them. I'm thanking them and really applaud them at this age. They are playing 60 because I've gone to the entire industry to every heroine. Every heroine was scared to play it. These are the only two girls who had the guts to do it. तापसी जी एंड भूमि जी आखिरी सवाल मेरी तरफ से. अच्छा सवाल पूछना. अच्छा सवाल ये, यू नो गली बॉय फिल्म जो है वो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है, आप एंड भूमि जी अपनी तरफ से कुछ विश करना? मैंने ऑलरेडी जोया को विश कर दिया है. परफेक्ट एंट्री, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस एंड प्लीज विन. भूमि जी और कुछ? जी यही कि मतलब जोया तो आई थिंक गली बॉय कितनी फैंटास्टिक फिल्म थी, पूरे देश ने उस फिल्म को बहुत सेलिब्रेट किया है और अब इंटरनेशनली सब उस फिल्म को सेलिब्रेट करेंगे. सो दे कुडंट हैव बीन लाइक अ बेटर ऑस्कर एंट्री दिस ईयर, डेफिनेटली. एंड ऑल द बेस्ट टू देम, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. वन लास्ट क्वेश्चन आपके सामने पीछे की तरफ, आपके लेफ्ट में विकास फ्रॉम न्यूज़. Who's asking शिवाशीष a question? Please ask no. या शिवाशीष है. Been trying to ask सामने. Since quite some time. आपके सामने अमित कर्ण from दैनिक भास्कर सामने से. अमित जी. या एक सवाल मतलब शिवाशीष के लिए कि ये फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी है. बिल्कुल. हमारी इंडस्ट्री में जिस तरीके से जो मतलब मीटू के आरोप झेलते रहे हैं और उनको इंटरनल कोर कमेटी क्लीन चिट दे रही है, कहीं ना कहीं क्या इंडस्ट्री में वुमेन एम्पावरमेंट को एक किस्म से झटका लगेगा या नहीं लगेगा? एज यू करेक्टली सेड, दिस फिल्म इज नॉट ओनली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, दिस फिल्म इज फॉर इंस्पिरेशन. यस, इट इज अ स्टोरी दैट हाउ द वुमेन टू वुमेन इन दैट एज brought the real success, brought a real change in their village, brought a real change in their family. At the same point of time, this film will not only give a lot of inspiration for our societies or film or our industries, it will inspire our families, it will inspire our kids to take how to take life. So I don't think that the film needs to be seen as that what it will do for Me Too as an issue. But I mean, honestly, when I will see the film, I will take this film, I will take my daughter to see this film, and I will expect that how she get inspired in her life, and how whether my son or daughter take their life forward. I mean, that's the story I want to say. So it is. I don't think that I want to take this film in a zone of only one particular segment of the life. एक आखिरी सवाल, विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन, तापसी राइट में आपके. Yeah, here. Right here. फिल्म स्टार्ट होने से पहले अगर निशानेबाजी की बात करें तो आप लोगों की निशानेबाजी कैसी थी और जब फिल्म खत्म हुई तब कितनी सुधर गई आप लोगों की निशानेबाजी? मैं तो बॉर्न शूटर थी, इसलिए तो तुषार ने लिया. एक्टिंग छोड़ो यार, मेरे को शूटिंग स्किल्स की वजह से. आई शी इज नॉट इवन किडिंग, वो उसने एक दो क्लासेस में बस वो तो बुलजाय मार रही थी. आई वाज मतलब मैं बचपन से वो डार्ट गेम के अगर मैं मारू ना तो वो डार्ट के पूरे कार्डबोर्ड को छोड़ के हर जगह जाता था.
सो आई वॉज हॉरेबल इन दैट. सो आई हैड टू, आई वॉज रियली नर्वस. मैंने कहा बाकी सब ठीक है, मैं एक्टिंग वैक्टिंग भी एक टाइम के लिए कर सकती हूँ थोड़ी बहुत, बट ये जो शूटिंग है ना, इसमें आई वॉज रियली नर्वस. सो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लासेज ली शूटिंग की. उसके बाद मतलब वो ब्लैक वाला होता है ना, 7, 8, 9 होता है, 7, 8, 9, 10 या 8, 9, 10, 7, 8, 9. सो उसके बीच में आ जाता है अभी. आई थिंक हम दोनों काफ़ी एस हो गए थे बाय द एंड ऑफ इट. या फिर वो रिलीज के बाद बुलसा है 100 करोड़. 7, 8 रिलीज से पहले 7, 8 रिलीज. आई थिंक वी आर फर्स्ट टाइम हैविंग अ ऑल वुमेन लेड फिल्म ऑन अ दिवाली. लक्ष्मी की पूजा करते हो सारे इस दिवाली पे, सिनेमा में आते हो लक्ष्मी के लिए कि नहीं? हाँ why? There's a logic behind it. As Prakashi Tomar, I want to relive my youth. That's the story behind. I want to play that. We missed those years. She missed those years probably playing the like a regular girl, what regular girl would. So let's relive those years for her. 90s के बच्चन साहब की याद आ रही है. बच्चन साहब याद आ रही है, चलो एक और पिक्चर करते हैं उनके साथ. तो ये आपका आइडिया था, पुराने अच्छे लग रहे हो आप काफी, तो ये किसका आइडिया था? ये मेरी स्टाइलिस्ट का. उसका उसका नंबर बाद में देती हूँ आपको मैं. Can we actually have a wonderful picture with the entire team? I think we're done with questions. Thank you very much. The reaction means a lot. Thank you. Yeah, please, Sumit ji, Seema ji, Shefali. Seema and Shefali ka role bhi nibhaya gaya picture ke andar. And my team, please, aaiye Vishal, Jan, the real heroes Jaldi, behind the camera. Rohit, whoever's there from the team, please come. Sudhakar. Vishal, I think you should head up from here. Where is Sara? Rita. Nikhil ji, jo bhi hai, please aaiye. Kafi bada team hai hamara. San ki aankhi, puri team, please stage pe aaiye. We'd love to see all of you together. Please give us that one wonderful picture. Like they said, this is going to hit bullseye this Diwali. Okay, huge reunion happening on stage right now. May I request team Sangyang, please give us all your poses this direction, all your smiles here. Sab log aapko dekhne ke liye uthte hain. And the smile is bang on. There we have it, the winning team, the super duper hit. Sankhya coming this Diwali to you. Requesting the women, Tapsi, Bhumi, Prakashi ji. Can we just keep... the shooter women on stage. Yeah. Ek gun ka hai yaar. This is going to be so incomplete without one. Ye bandook mazak na hai. Tere tai mazak na lag jayega tai. Ek baat bata bhai, ke khao tum dono? Nishana bilkul seedha lagao. Tushar, I know you're waiting when I run away, but don't. Please stay back. Woohoo! Yeah!